40 है ऐसे मौसम में भाई निकलना सही है क्या है वो देखो। नानी जो है ये दवाइयाँ लिखी है और ये कैरियर का स्क्रू टाइट। आज अपनी हम साइकिल को लेकर भाई साउथ। नानी क्या हो गया कल? बुखार था भाई। तो कल 102 बुखार था तो मामा ने भाई काफी मतलब पट्टी वगैरह रखी तो मतलब नॉर्मल हुआ है। 98.3 जो है धीरे 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 करके बुखार हुआ। कल रात को फिर आ गया था मतलब कल दोपहर में रहा फिर कल रात को फिर आ गया। तो अभी चल रहे हैं डॉक्टर को दिखाने। आज है सोमवार और हर महादेव आप सभी को। आज सावन का चौथा सोमवार। नानी चले चल। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे फीवर है, 2-4 दिन में कवर हो जाएगा। सही हो जाएगा ना नानी? फिलहाल फीवर था, फीवर की दवा जो है दवा तो वैसे दे दी थी लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी था। ये दवाइयाँ लिखी हैं सारी। बताओ इतनी सारी पर्चा है, इतनी सारी बताओ। इनसे काफी दिन से ट्रीटमेंट है। आगे सब लोग भाई चलो। फिलहाल अभी नानी को दिखा घर आ गए हैं और साइकिल देखो भाई ये खड़ी है। कैरियर कल रात को लगा दिया था मामा हमने और मम्मी ने मिल के सब फैमिली ने। तो अभी चल रहे हैं बाहर, इसको साइकिल को चलाने के लिए चलते हैं बाहर। यहाँ पे आए तो साइकिल का ये वाला जो 2 स्क्रू है इसको टाइट किया है और ये कैरियर का स्क्रू टाइट किया बिकॉज ये कैरियर बार बार नीचे आ जा रहा था तो टायर में लड़ रहा था। फिलहाल आज अपनी हम साइकिल को लेकर भाई साउथ ग्राउंड आए क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है और हमको देखनी थी ग्रीनरी। और ग्रीनरी इससे बेटर कहाँ मिलेगी भाई? देख रहे हैं आप लोग नेट्स लगे हुए हैं बेटा। अभी तो फिलहाल प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि भाई टर्फ में बहुत ज़्यादा घास हो रखी है। बाकी साइकिल तो देख ही लो भाई, अपनी साइकिल को यहीं खड़ी करते हैं और थोड़ा शॉर्ट्स लेते हैं अच्छे अच्छे। फिलहाल वैसे भाई घास जो है कट रही है धीरे धीरे क्योंकि अब धीरे धीरे भाई लीग के मैचेस चालू होंगे और लीग के मैचेस कोशिश करेंगे हम भी खेलें। और क्योंकि ये सीन है गाइस निकले थे साइकिल चलाने लेकिन भाई नहीं चला पाएंगे। रीज़न आप लोगों को पता है, बारिश होने लगी भाई। बारिश देख रहे हो भाई, बादल बिल्कुल साफ है बट बारिश हो रही है। फिलहाल तो घर आ गए हैं। रीज़न भाई ये है देख रहे हो मौसम मौसम और अंधेरा। कल हमने जो मंगाया था वो अभी आप लोग को दिखाते हैं। तो फिलहाल इस राइड के लिए हमने एक चीज़ ये भी मंगाई थी, ये ऐसा लग रहा है कि आयरन मैन का जो है भाई फेस है मतलब ऐसा लग रहा है आयरन मैन या आंट मैन मूवी देखी होगी आप लोग ने। तो ये बेसिकली भाई हमने इस वजह से मंगाया क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा आँखों में दिक्कत होती है। यहाँ से सांस लेने के लिए है कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है जो ये ग्लास है, इस ग्लास में बहुत अच्छे से दिखेगा हमको रात को भी दिन में भी। तो ये सही चीज़ है भाई, तो देख ही लिया होगा वैसे। बाकी तो यार आलू भुजिया खाने जा रहे हैं, चाय बनाएंगे। कल रात से गला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, चाय पियेंगे गरम गरम और ये खाएंगे। और बाकी राइड करके आए अभी 10 किलोमीटर के, अच्छा लग रहा है, शरीर बिल्कुल हीट कर रहा है। कल काफ़ी सही समय पर हम घर आ गए क्योंकि बारिश तेज़ हो गई थी। तो यहाँ पर साइकिल हमने कर दी है क्योंकि साइकिल में धीरे धीरे गाइस मतलब आप लोग खुद देखिए कि लोहा कितना बेकार आने लगा है, देख रहे हैं आप लोग। ये पानी की वजह से है और फिर हमको ऑयलिंग करनी पड़ी। मैंने सोचा था कि इस चेन में ऑयलिंग बहुत दिनों बाद करेंगे बट चेन में ऑयलिंग पानी की वजह से करनी ही पड़ी। सारे स्क्रू में देखिए यहाँ पे ऑयल डाला मैंने और यहाँ पे सॉकर में डाला। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अब लोहा जो है भाई वैसा नहीं रहा जैसा भाई हमारे ब्रिटिश शासन में था। लेकिन ठीक है, ब्रिटिश शासन भी होना नहीं चाहिए था लेकिन हम अब ये मानते हैं। आप लोग को अगर बुरा लगे भला लगे हमें नहीं पता, लेकिन अगर जब ब्रिटिश शासन था तो लोग जो थे डिसिप्लिन में थे, कहीं से कुछ नहीं कर पाते थे। जब भाई लोग आज़ाद हुए तो अपने आप को भाई ये समझ लो डिस्ट्रॉय कर दिया, सामने वाले को भी नहीं देखना है और अपने आप को भी नहीं देखना है। बस ये है अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ट्रैफिक में भी हर लाइन में उठा के देख लो, कंपटीशन बहुत हो गया है। पहले ये था कि चलो सुबह शाम दिए जाते थे हंटर, ठीक था। लेकिन अब कुछ लोग कमेंट करेंगे
लेकिन हमको ऐसा लगता है कि एक बार हमको भगवान फिर से जन्म देना तो एक बार ब्रिटिश शासन जरूर देखना चाहेंगे हम। जो ट्रेन की पटरियाँ ना अभी भी आप लोग सोचो, ट्रेन उसके ऊपर चलती है, ब्रिटिशों के ज़माने की पटरियाँ हैं, लोहा जिसमें जंग, उस ज़माने के लोहे में कोई भी मिलावट नहीं होती थी, आज के ज़माने के लोहे में भाई मिलावट ना हो तो लोहा नहीं बिकेगा, क्या करोगे, लोहा कम पड़ जाएगा।